आपको बताते हैं कि 26 नवंबर से 11 जनवरी तक मुल्क के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का फैसला कर लिया गया। 26 ये क्या हो गया यार, इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा था, अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। यार तुम लोगों को मैंने कहा भी था ना कि रिवाइव कर दो, नहीं किया ना। अब अगर चिकन डिनर किए बगैर आए तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। यार तुम लोगों की वैसे ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं हमेशा रिवाइव करता हूँ और तुम लोग कभी भी नहीं करते। अब मैं वेट कर रहा हूँ। फैसल, फैसल बेटा उठो। फैसल, 4 बज गए, तुम्हें कोई एहसास ही नहीं, अभी तक सो रहे हो। जी अबू उठ रहा हूँ। जल्दी उठो, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। इम्पोर्टेंट बात? जी अबू बोले। क्या बोलूं? जो आपको बोलना था। क्या बोलना था? अरे आपने मुझसे कहा था ना भी उठा के कि कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है आपने। ओह हाँ हाँ बेटा, इम्पोर्टेंट बात तो करनी है। देखो बेटा, जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ वो तुम्हारे फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करती है। जी जी। तुम्हारे प्रेजेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। जी जी। और तुम्हारे पास्ट पे भी करती होगी। पास्ट पे कैसे डिपेंड करेगी, पास्ट तो गुजर गया ना। अरे तो आप इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं, जो बात है बोल दें भाई। देखो बेटा, बात दरअसल ये है कि जाके मोटर चला दो, पानी आ रहा है। आपने ये बात करनी थी? ये मेरे फ्यूचर पे कैसे डिपेंड करती है? बदतमीज, बाप से जबान चलाता है, करती है डिपेंड तुम्हारे फ्यूचर पे, बिल्कुल करती है। कहा है मेरा, कहा है मेरी स्क्रिप्ट। अब देख, पानी घर पे आ नहीं रहा और तुम मजे से सो रहे हो। तुम उठोगे तो मोटर चला के आओगे, मोटर चला के आओगे तो पानी आएगा, पानी आएगा तो पानी गर्म करोगे, और पानी गर्म करोगे तो फिर मैं नहाऊंगा ना, और जब मैं नहाऊंगा तो कमाने जाऊंगा, कमाने जाऊंगा तो फिर कमा के आऊंगा और तुम्हें घर बैठे बैठे खिलाऊंगा। यही था या कुछ बाकी है आपकी स्क्रिप्ट में? एक चीज रह गई। बोल दे, वो भी बोल दे। ऐसी औलाद को तो पैदा ही नहीं करना चाहिए था। हो गया, अब जाऊं मैं? हाँ बेटा, नाउ यू कैन। वो पहले तो मिलता नहीं था, अब तो सारा दिन घर पे ही होता है, डांट तो बनती है ना। चले मैं जब तक दूसरी स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। कैसी हो? ठीक। यार कब से नहीं देखा यार तुम्हें, यूनिवर्सिटी ऑन थी तो रोज देखता था। क्या कर रहे हो? क्या करूंगा यार, जस्ट चिलिंग, क्लीनिंग अ सॉरी वाचिंग अ मूवी। वो सुना तुमने, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम गरम कभी नरम। हाँ भाई, चिल करो मेरे बाहर। बस यार अपने आप को मसरूफ रखा हुआ है मैंने। फैसल भाई चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फैसल भाई आ रहा हूँ। हाँ बोलो। वो दही अचार और रोटी ले आइएगा। यार ठीक है कि मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ है, ठीक है कि मैं कोचिंग नहीं जा रहा, ठीक है कि मैं फुर्सत से फारिग हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे काम मैं ही करूँगा। फैजी से मंगवा लो। तो आप मंगवा लेना, हमेशा आप ही ऑर्डर करते हैं। हाँ एप्लीकेशन खोलने में भी प्रॉब्लम है, अब बोलोगी कि मुझे यूज़ करनी नहीं आती। आज मैं तुम्हें सिखाई देता हूँ ताकि तुम ही करो फिर। ये देखो ये एप्लीकेशन है फैजी के नाम से, ये डाउनलोड करी सिंपल, इसमें जाके रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो व्हाट्सएप से या मैसेज से या एप्लीकेशन के थ्रू जो भी सामान लिखना है, यहाँ पे लिखा और सबमिट कर दिया। 30-35 मिनट में रेडर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं बोलना, ठीक है? हाँ तो भाई मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज सरप्राइज टेस्ट होगा, लेकिन इस सरप्राइज टेस्ट में भी एक सरप्राइज है। पूछो क्या? क्या? ये सरप्राइज टेस्ट बोर्ड पे बुला के लिया जाएगा। टंटड़ा। यार अरमान, तुम्हारी तैयारी है क्या? हाँ मेरी तो तैयारी है, क्यों तुम्हारी नहीं है? मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है यार। क्या कुसुर पुसुर चल रही है, हमें भी तो पता चले। नहीं सर, ये फैसल बोल रहा है कि इसकी तैयारी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट फैसल से स्टार्ट किया जाएगा। फैसल बेटा आ जाओ। क्लैपिंग। हेलो। हाँ भाई क्या सीन है नारायण का? भाई फुल टाइम स्नोफॉल चल रही है वहाँ पे, VIP नहीं जाना मैंने। अच्छा नाराज क्यों हो रहा है? अच्छा अब नहीं बताऊंगा सर को, तेरी तैयारी
तैयारी नहीं थी। तुझे कैसे पता? अब जाहिर है यार, तू हर रोज एक ही ख्वाब देखेगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा यार। अच्छा चल, अब ख्वाब की दुनिया से बाहर आ और ये बात समझ ले कि हम आजाद हैं। हाँ यार, हम आजाद हैं। तुमने क्या सोचा, यूनिवर्सिटी बंद है, कोचिंग बंद है, तो मैं नहीं आऊंगा? कोरोना हो या कोरोना का दादा, ट्यूशन टीचर किसी से नहीं डरता। फैसल, क्या हो गया बेटा? यहीं खड़े रहोगे? चलना नहीं अंदर, पढ़ना नहीं? जी जी सर, चले आ जाए। हाँ तो भाई फैसल, आज हम CSS पढ़ेंगे। CSS? लेकिन सर कल ही तो CSS पढ़ी थी, बल्कि मैंने तो टेस्ट भी दे दिया था। तो फिर JQuery निकाल लो। लेकिन सर JQuery पिछले पूरे हफ्ते पढ़ी है, बल्कि मुझे रट गई है। अच्छा, तो फिर PHP तो पहले मुझे खुद सीखनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं। वो क्या सर? तुम आज इस कैंगरू पे कलर करोगे। देख रहे हैं क्या हाल हुआ हुआ है मेरा। खैर, अगर वीडियो पसंद आई है तो जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, फैजी ऐप डाउनलोड ज़रूर करनी है आपने। इसकी अच्छी बात यह कि इसमें हर बार डिफरेंट राइडर नहीं आता, और करंटली अभी नॉर्थ नसोबाद, गुलबर्ग और जौहर में अवेलेबल है। फ्यूचर में सारे एरियाज़ में होगी इंशाल्लाह, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके डाउनलोड करें। थैंक यू।